हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस लास्ट जो पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स के और वो भी एलेवेंथ क्लास के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था एलेवेंथ क्लास की बुक से जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ ग्रुप नंबर थर्टीनथ एंड फोर्टीनथ आपकी ट्वेल्थ क्लास की जो बुक है उसके अंदर जो है ग्रुप नंबर फिफ्टीनथ से डिस्कशन स्टार्ट है इस वजह से हम जो है ग्रुप नंबर फिफ्टीन का डिस्कशन जो है आज शुरू करेंगे फिर सिक्सटीन सेवनटीन एंड लास्ट एटीनथ के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ज़्यादा करके टाइम पी ब्लॉक में ही लगता है बिकॉज इसमें हर एक ग्रुप की अपनी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट काइंड ऑफ़ फ़िजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इस वजह से जो है इसके अंदर थोड़ा वक्त लगेगा बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर फिफ्टीन से हमने बोरोन फैमिली बोरोन ग्रुप जो है उसको पढ़ लिया हमने कार्बन ग्रुप जो है उसको पढ़ लिया आपने एलेवंथ क्लास में डिस्कस कर लिया था लेकिन फिर से आज जो है हमने अभी जो पीछे की वीडियोज़ है उसके अंदर भी डिस्कस किया है अब जो है हम नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर भी जो है हम जो है पूरा जो है ग्रुप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एंड वन मोर थिंग एक चीज़ और आप, आपको कहना चाहूँगी टीचर्स डे के दिन जो कि uh, कल था टीचर्स डे बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत से कॉमेंट्स uh, आए थे मेरे पास में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब इतनी अच्छी uh, जो है uh, वो ब्लेसिंग्स uh, देते हैं साथ ही इतना ज़्यादा आप जो है सपोर्ट करते हैं और इतना जो है आप रिस्पेक्ट देते हैं बहुत अच्छा लगता है ये सुन के सो so, uh, शायद हो सकता है हर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ लेकिन अभी बोल देती हूँ जिन्होंने भी कमेंट किया था एक्चुअली कोशिश मैंने पूरी की थी सबको सबके कमेंट्स के जो है रिप्लाई कर सकूँ जो कोई भी रह गया हो उनको अभी बोल देती हूँ थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर योर सपोर्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर फिफ्टीन के बारे में डिस्कस करना सबको पता है ग्रुप नंबर फिफ्टीन के अंदर कौन से कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं कौन कौन से जो जो है टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फैमिली या फिर नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है इसको कौन से ग्रुप को ग्रुप नंबर फिफ्टीन को नाइट्रोजन ग्रुप ऑब्वियसली जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके नाम से भी जाना जाता है बहुत बार और ऐसा भी होता है कि जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट uh, होता है बहुत ज़्यादा उसकी यूजफुल होते हैं बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं जिसके उसी को मोस्टली जो है एज अ नेम दिया जाता है उसी फैमिली के अकॉर्डिंग ठीक है तो इसमें हमें नाइट्रोजन ग्रुप का नाम दिया गया है बिकॉज नाइट्रोजन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड देन बिस्मत लास्ट में है यू यू क्यू जो है वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज जैसा कि पहले बताया उसकी डिस्कवरी हुई है लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में अभी कुछ भी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है ठीक है भाई चलिए सबसे पहले बता देती हूँ नाइट्रोजन का जो ऑटोमिक नंबर है वो है सेवन ये तो सभी को पता है फॉस्फोरस का है फिफ्टीन आर्सेनिक का है थर्टी थ्री एंटीमनी का है फिफ्टी वन और बिस्मित का जो है वो है एटी टू सॉरी एटी थ्री एटी टू इज फॉर लेड एटी थ्री ठीक है भाई ये है इनकी आ, कह सकते हैं कि नॉर्मल जनरल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन इनका दिया है कि इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक और एलिमेंट्स है यू यू क्यू उसकी अभी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या जनरल इंट्रोडक्शन इसके अंदर है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है नॉन मेटलिक है आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो मेटल मेटलॉइड्स हैं और बिस्मित जो है वो टिपिकली मेटल है ठीक है ये चीज़ जो है हम आगे इनके और कैरेक्टर्स आएंगे उसके अंदर देखेंगे इनकी मोस्टली पहले हम अकरेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अकरेंस के अंदर क्या है नाइट्रोजन के क्या ओब्वियस बात है जिस तरीके से ऑक्सीजन था ऑक्सीजन है कार्बन है उसी तरीके से नाइट्रोजन जो है ऑलमोस्ट सेवेंटी एट परसेंट वॉल्यूम बाय एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर हमें मिलता है एन ए एन ओ थ्री जिसे क्या कहा जाता है चिल सेल्पिट्री नाइट्रिल सेल्पिट्रे कहा जाता है जिसको एन यानी कि सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर भी मिलता है ये और जो है पोटेशियम भी है वो नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर मिलता है ठीक है इसको बोला जाता है इंडियन सेपेट्री इंडियन सेपेट्री पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसे कहा जाता है इंडियन सेपेट्रे इनके हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ेस काफ़ी होते हैं ठीक है यानी कि नाइट्रोजन जो है काफ़ी फॉर्म्स के अंदर मिलता है प्रोटीन्स की फॉर्म में भी मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मिनरल्स की फॉर्म के अंदर भी अमाउंट में मिलता है लेकिन कम अमाउंट में मिलता है ठीक है नाइट्रोजन जो है मोस्टली प्रोटीन की फॉर्म के अंदर मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अब बात करते हैं फास्फोरस की फास्फोरस जो है वो काफ़ी अमाउंट के अंदर मिनरल्स के अंदर पाया जाता है और बहुत ज़्यादा वाइडली प्रेजेंट होता है ये नाइट्रोजन से भी ज़्यादा मिनरल्स के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है एपेटाइट फैमिली जो होती है उसी फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है ओके okay? कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म के अंदर ये अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है और जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका मेनली यूज़ किया जाता है कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह कैल्शियम फॉस्फेट्स वगैरह मोस्ट प्रोबेबली ये सब जो चीज़ें हैं वो किसके लिए यूज़ होती हैं मिनरल्स के लिए यूज़ होती हैं नेक्स्ट है. जो है फॉस्फरस एक तरीके का बहुत ज़्यादा असेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट है एनिमल और एनिमल और प्लांट मैटर्स के लिए फॉस्फरस जो है ह्यूमंस की बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है जो बहुत ज़्यादा वाइडली प्रेजेंट होता है और उसका अमाउंट कुछ कम हो जाता है फॉस्फरस का ऑब्वियसली बात है उससे कुछ डिजीज़ भी कॉज रहती हैं ठीक है फॉस्फरस प्रोटीन्स जो है वो मिल्क और एग्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं लास्ट जो आता है हमारा आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ ये मेनली जो है सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है बाकी इसके अंदर और कोई ज़्यादा इनकी जो है प्रेजेंस अर्थ क्रिस्पे नहीं पाई गई है ठीक है चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी मेन है और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो भी काफ़ी मेन आएंगी इस चैप्टर की जो इनके अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी ये काफ़ी ज़्यादा मेन होंगी तो इनको बहुत अच्छे से सुनेगा ठीक है सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखते हैं मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की ज़रूरत होगी कि नाइट्रोजन की कॉन्फिग्रेशन क्या होती है ठीक है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन होता है फिर भी एक बार वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ठीक है ये नाइट्रोजन की कॉन्फिग्रेशन होती है अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें पता है कि ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ऑब्वियस ही बात है कि लास्ट एलिमेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पी ऑर्बिटल के अंदर आएगा और उससे पहले हमें पता है एन एस के अंदर आएगा ही आएगा तो इसमें एन एस ऑर्बिटल जो होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है पी ऑर्बिटल जो होती है वो इसकी लास्ट एक्सटेंड करेगी थ्री तक उससे ज़्यादा एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं करेगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री आएंगे थ्री का मतलब क्या है मान लीजिए ये हमारे पी ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल में हम कह सकते हैं कि सिक्स स्पेसेस हमारे पास हैं कि हाँ इसमें प्रेजेंट होंगे जिसमें से क्या होंगे तीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट जो है मैंने कहा थ्री होगा कुछ के अंदर इस तरीके से लिखा होता है वन टू सिक्स यानी कि उनके अंदर टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स भी हम फिल कर सकते हैं लेकिन इसमें जो लास्ट होगा वही होगा कि थ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे थ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम क्या माने थ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये होंगे हाफ फिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ इनकी आयनाइजेशन एंड थेरेपी पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे एटॉमिक साइज पे, पे सब पे इस पर इस चीज़ का फर्क पड़ेगा तो ये ध्यान से सुनिएगा ठीक है कि पी ऑर्बिटल के अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इस कंडीशन को कहा जाता है हाफ फील्ड और जो भी हाफ फील्ड होती है मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है या तो हो गया वेकेंट या फिर होता है हाफ फील्ड या फिर होता है फुल फील्ड इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है ये कि इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और ये इस तरीके का जिसमें तीनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाली सीरीज़ के अंदर इस ग्रुप के अंदर ठीक है भाई चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं ये था नॉर्मल इनकी ओवरव्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का फॉस्फरस जो होगा फॉसफरस का 15 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो नियोन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लेके और बिल्कुल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से बता ही देती हूँ हीलियम यूज़ करेंगे हम इसके अंदर बिकॉज हीलियम में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये वन वाला जो है कवर हो जाएगा तो वन एस और टू एक चीज़ एक ट्रिक छोटी सी आपको समझाती हूँ देखिए जब भी आपको ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज़्यादा डाउट हो तो आपको क्या करना है हीलियम इस तरीके से एग्जाम में भी आती है कि हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन ये इस तरीके से लिखी होती है फिर आपसे पूछते हैं कि कौन सी वाली जो है करेक्ट होगी नीट के जो भी एक्सपेरियंस हैं नीट के जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ठीक है तो देखिए जैसे हीलियम है ठीक है हीलियम हमने ले लिए यहाँ पे तो अब आगे क्या होगा एक एक इंक्रीज करते जाइए इसके बाद वाली नोबल गैस कौन सी है नियोन इसके बाद वाली कौन सी है आर्गन इसके बाद वाली कौन सी है क्रिप्टन और इसके बाद वाली कौन सी है जेनन ठीक है इतना हो गया ये हमें नाइट्रोजन वाली नॉर्मली याद रहती है कि नाइट्रोजन में 2s2 और 2p3 इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं ठीक है तो अब जब आप इसके अंदर और गौर करेंगे ये देखिए थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है अब जब आप इसके अंदर और देखेंगे तो नियोन जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पर टू एस हो गया नेक्स्ट जो आएगा इसके लिए आप थ्री और थ्री ले लीजिए उसके बाद में जो है आपको पता है कि आर्सेनिक जब आएगा आर्सेनिक जब यहाँ इंक्लूड होगा ये देखिए यहाँ आर्सेनिक जब इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए तो नॉर्मल सी बात है जब डी ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूज इंक्लूड हो गए हैं तो इसमें डी ऑर्बिटल भी आएंगी और उसके बाद में फ़ोर एस और फोर पी हो जाएगा फिर जैसे ही हम एंटी मनी लेंगे एंटी मनी के अंदर भी क्या होगा फोर डी आ जाएगा ऑब्वियसली इसके बाद वाला और ये फ़ाइव एस और ये हो जाएगा फ़ाइव पी और इसके बाद में जो है एफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फोर एफ़ फ़ाइव डी और यहाँ पे आ जाएगा सिक्स एस और सिक्स पी ये हो गया अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली जैसे फिल करते हैं थ्री एस टू थ्री पी थ्री और बिल्कुल यही थ्री डी टेन तो फोर एस टू फोर पी थ्री और इसके लिए भी फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी थ्री और ये 14 फाइव डी टेन हमें पता है लास्ट एफ ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल एफ़ के अंदर फोर्टीन हैं डी के अंदर टेन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एस के अंदर टू और पी के अंदर सिक्स ये सॉरी सिक्स नहीं इसमें थ्री आएँगी ये है इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत इजीली आपको अगर एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्वेश्चन इसका इस तरीके का आता है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जैनन ये लिखे होते हैं बिल्कुल कंप्लीट जिस इस तरीके से नहीं लिखी होती जैसे नाइट्रोजन की होगी वन एस टू ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है इस वजह से ये नहीं लिखी होती है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है चलिए ये हो गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अब बात करते हैं इनकी एटॉमिक रेडियाई की जल्दी से हम इनकी नॉर्मल जो जनरल इंट्रोडक्शन uh, है वो देख लेते हैं अब बात करते हैं इनकी एटॉमिक रेडियाई की एटॉमिक रेडिया क्या था दो एटम्स के बीच में न्यूक्लियस के बीच में जो इनकी लेंथ uh, होती है डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियाई ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन से लेके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियाई

एक तरीके का कंसिडरेबल इंक्रीज़ होगा कोवलेंट रेडियाई के अंदर कोवलेंट रेडियाई जो होगी इन एलिमेंट्स की उसके अंदर एक तरीके का कंसिडरेबल इंक्रीज़ होगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर नॉर्मल इंक्रीमेंट होगा उसके बाद में जैसे ही हम आर्सेनिक और बस्मत की तरफ बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा ही इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा स्मॉल इंक्रीमेंट होगा बहुत ज़्यादा लार्ज इंक्रीमेंट नहीं होगा इसका भी मैं रीज़न बताऊँगी आपको हो क्यों होता है ऐसा इज़ ऑब्जर्व्ड ये इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होती है जैसे ये आपको मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताई तो आप देखेंगे कि इनके अंदर आर्सेनिक बिस्मिथ आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ इनके अंदर क्या है कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स प्रजेंट हैं ठीक है थी? जिस वजह से क्या हो जाते हैं ये जो मेंबर हैं ये जो आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मित जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं हैवी हो जाने के कारण इनकी क्या होती है एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा नहीं होती और ये ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं ठीक है एक तो स्मॉल और लाइटर एलिमेंट्स हैं ठीक है उनके अंदर अगर एलिमेंट के अंदर अगर एक दो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो वो ईजीली एक्सटेंड कर जाते हैं और उनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन ये जो एलिमेंट होते हैं इनके अंदर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं जिस वजह से क्या होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा साइज uh, के अंदर इंक्रीमेंट नहीं आता है रेडियाई के अंदर ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता है बहुत स्मॉल ही इसके अंदर क्या होता है इंक्रीमेंट होता है ये थी इनके एटॉमिक एटोमिक रेडियाई अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंड जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि जब आप इसके क्वेश्चन जो एन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर आयनाइजेशन एनथेरेपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बिकॉज आयनाइजेशन एनथेरेपी एक तरीके की रिमार्केबल चीज़ है जो हर एक चैप्टर के अंदर पूछी जाती है ठीक है अब देखिए आयनाइजेशन एनथेरेपी किस तरीके से इंक्रीज़ होती है और किस तरीके से डिक्रीज़ होती है हमें पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है आयनिक रेडियाई एटमिक रेडियाई पे, जो एटम का साइज़ होगा उसके पे डिपेंड करती है कि अगर क्या होगा जैसे ही हम जैसे ही एटमिक साइज़ क्या होगा इंक्रीज़ होगा एटमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा नॉर्मल बेसिक चीज़ बता रही हूँ आपको इन एलिमेंट्स के लिए नहीं बता रही हूँ एटमिक साइज़ इंक्रीज होगा तो इनकी जो आयनाइजेशन एंड है वो डिक्रीज़ होगी क्यों क्योंकि जैसे एटमिक साइज़ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से क्या है दूर होते जाएंगे कम अट्रैक्ट होंगे तो उसके लिए एनर्जी जो है इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो रिमूव करने वाली जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा कम देनी पड़ेगी जिससे आयनाइजेशन एंथेरेपी कम हो जाएगी यानी एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनथेरेपी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज़ बढ़ेगा साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी अट्रैक्शन कम होने से एनर्जी जो है वो बहुत कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी एनर्जी और एनथेरेपी में कन्फ्यूज़ मत होना दोनों एक ही चीज़ है चलिए अब देखिए हमें पता है मैंने आपको बताया था ये जो चीज़ है हाफ फिल्ड वाली ये आएगी किसमें आयनाइजेशन एनथेरेपी के अंदर तो जैसे ही अब एग्जा एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो इसमें 2s हो गया और ये 2p हो गया 2s और 2p टू एस के अंदर ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सॉरी टू एस में एक ही बनेगा टू एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और टू पी के अंदर जो है हम कह सकते हैं एक दो और तीन ये तीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो गए हैं टू पी के अंदर ठीक है अब आपको दिख रही है कि ये चीज़ क्या है हाफ फील्ड है हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से क्या होता है इनके अट्रैक्शन टू पी ऑर्बिटल अब देखिए जैसे ये नाइट्रोजन है ये इसका न्यूक्लियस है ये हो गया वन एस ये हो गया टू एस और ये हो गया टू पी टू पी के अंदर तीन ही इलेक्ट्रॉन है और तीन में क्या है ये हाफ फिल्ड वाली कंडीशन है इनका न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता इनका साइज़ क्या होता है छोटा रहता है साइज छोटा है देखिए यहाँ पर क्या है अब देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता हो तो आप सिर्फ रिलेशन याद रखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है साइज़ छोटा होने की वजह से क्या है आयनाइजेशन एन्थेलपी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा है जिस वजह से हमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप की ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एन्थेल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ग्रुप फोरटीन के एलिमेंट से भी क्यों रीजन जो होगा वो होगा हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी ठीक है भाई कि ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स जो हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के उनकी आयनाइजेशन एनथेरेपी ग्रुप फोर्टीन की जो आयनाइजेशन एनथेरेपी है उससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर क्या होंगी पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगी हाफ फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेंगे न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होने की वजह से जो है उनके जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी ठीक है भाई समझ आ गया अब चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या बताया था भी मैंने आपको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चलिए भाई अब बताइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस ग्रुप की क्या होनी चाहिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मित देखिए नॉर्मल सी बात है साइज़ मैंने क्या बताया इनका एटॉमिक साइज़ क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एटॉमिक साइज़ इनका छोटा ही है बिकॉज क्या है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जैसे ही हम नाइट्रोजन से लेके बिस्मित तक मूव करेंगे तो पहले तो क्या होगा डिक्रीज़ होगा बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी uh, जो है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम नॉर्मल uh, सी बात है ये एटॉमिक साइज़ जब क्या होता है इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो भी बिल्कुल आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह होती है क्या होती है डिक्रीज होती है तो जब जब हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ मूव करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा ला जो जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो रहा है हल्का हल्का बढ़ रहा है एटॉमिक साइज़ हल्का हल्का यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो बढ़ रहा है तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी कम होगी लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा देखिए मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की जो है वो सबसे ज़्यादा है थ्री पॉइंट जीरो उसके बाद में जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे हल्की हल्की कम होती जाएगी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा फॉस्फरस की होगी टू पॉइंट वन आरसिनिक की होगी टू पॉइंट जीरो एंटीमनी की होगी वन पॉइंट नाइन और बिस्मित की भी होगी वन पॉइंट नाइन ठीक है भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है बहुत लाइट सा डिफरेंस है क्यों है क्योंकि इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है मतलब वैसे तो बढ़ता है नीचे इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक साइज़ यहाँ से हम मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन पी ऑर्बिटल हाफिड होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं आता है ठीक है भाई अब देखते हैं इनकी नॉर्मल सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वैसे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला होता नहीं है फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की है आज हम ग्रुप फिफ्टीन जो है उसको कम्प्लीट करके ही छोड़ेंगे ठीक है तो हम जो है हर बार एक एक ग्रुप को डिस्कस करते रहें तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा आपको और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी गाइड बुक्स के अंदर क्वेश्चंस देखते रहिए और उन्हीं क्वेश्चंस को ग्रुप के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए जैसे हमने पीछे ग्रुप थर्टीन कर लिया ग्रुप फोर्टीन कर लिया तो उनके क्वेश्चंस आप गाइड में देखिए सॉल्व करिए जो भी स्टूडेंट्स नीट कर नीट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हों उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है ये कि आप जो हैं बुक में अपने एम देखिए और उनको सॉल्व करते रहिए उस तरीके से और जो समझ नहीं आए उसको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए चलिए अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली ये क्या है ये जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के वो सारे पॉली एटोमिक है यानी कि मोर देन वन एटोमिक फॉर्म के अंदर ये जो है प्रेजेंट होते हैं ठीक है मोर देन वन एटोमिक फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मोर देन वन एटोमिक फॉर्म के अंदर रहते हैं डाई नाइट्रोजन जो है एक डाई एटोमिक गैस होती है और सॉलिड होगी डाई नाइट्रोजन गैस यानी एन टू जिसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है और ये क्या है डा नाइट्रोजन डायटमिक गैस होती है ये नॉर्मली गैसियस फॉर्म के अंदर होती है बाकी जो भी फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ जो होंगी वो सब की सब जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी ये गैसियस फॉर्म में होती हैं ठीक है मेटलिक कैरेक्टर जो होगा नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा इंक्रीज़ होता जाएगा डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे मूव करेंगे मेटलिक कैरेक्टर जो है मेटलिक कैरेक्टर मेटलिक प्रॉपर्टी जो होगी वो इनकी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी डाउन दी ग्रुप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है हमारे जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको नाइट्रोजन और दो दोनों के दोनों क्या हैं मेटल है कि नॉन मेटल है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है नॉन मेटल नाइट्रोजन बिल्कुल वही ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट वाली बात है ग्रुप फोर्टीन वाला जो ग्रुप है वही वाली डिस्कशन है ये नॉन मेटल हो गए आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये हमारे मेटलॉइड्स हैं और जो बिस्मित है वो मेटल है ठीक है भाई अब देखिए साइज हमें पता है ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एन थे इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ये सब चीजें हम देख चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉर्मली क्या होगा इंक्रीज़ होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे ही हम नाइट्रोजन से बिस्मत की तरफ मूव करेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज़ होगा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा सिर्फ़ और सिर्फ आठ सैनिक तक यहाँ तक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट में जो है लाइट लाइट जो है डिक्रीज़ आने लग जाता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है बहुत लाइट सा क्या है इनके अंदर डिक्रीज होने लग जाता है ठीक है भाई अब देखते हैं हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में हम जो है इनके डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में तो अब हम देखते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो माइनस थ्री प्लस थ्री और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो करते हैं ठीक है लेकिन माइनस थ्री और प्लस फाइव की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते रहते हैं प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक तरीके की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हर एक एलिमेंट जो है शो करते हैं माइनस थ्री और प्लस फाइव जो है कोई ही को, कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे शो करेंगे इस ग्रुप के अंदर बिकॉज माइनस थ्री का मतलब क्या हुआ तीन इलेक्ट्रॉन्स और उस एलिमेंट के अंदर ऐड करना क्योंकि जैसे ही लेकिन माइनस थ्री हर एक एलिमेंट शो नहीं करेगा जैसे ही हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ नीचे मूव करते रहेंगे माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी क्योंकि जैसे हम यहाँ मूव करेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर्स जो हैं मेटलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी इंक्रीज होने लग जाएगी और हमें पता है कि मेटल्स की जो कैरेक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का तो माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करने की तो प्रॉपर्टी नीचे की तरफ आते हुए बिस्मित की तरफ बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है क्योंकि बिस्मित एक तरीके का मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की ना कि गेन करने की नाइट्रोजन जो है माइनस थ्री इलेक्ट्रॉ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में शो करता है बिकॉज इसका साइज छोटा है छोटा होता है और साथ ही नॉन मेटल होता है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ठीक है ये बहुत इजी है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी डिक्रीज दी डिक्रीज होने लग जाती है डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज़ इंक्रीज होता जाता है और साथ में जो है वही मेटलिक प्रॉपर्टी जो है इनकी इंक्रीज होती जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाइट्रोजन जो है प्लस थ्री माइनस थ्री और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी प्लस वन प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ठीक है लास्ट जो हम कोवेलेंसी या फिर यू का ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन शो कर सकता है वो प्लस फोर होती है इसके आगे इसमें भी वो वन एस और थ्री पी ऑर्बिटल्स जो है अपनी इंक्लूड करता है इसके आगे नाइट्रोजन अपनी और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को या कोवलेंसी को, को एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास में कोई भी वैकेंट डी या फिर एफ ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं जबकि फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मित जो है वो अपनी कोविलेंसी को, को आ, फोर से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे कि अगर हम फॉस्फोरस का एग्जाम्पल देखें तो वो है पी एफ़ सिक्स माइनस ये अपनी कोवलेंसी को फ़ोर से ज़्यादा एक्सटेंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनके पास में क्या होती है वैकेंट डी और एफ़ ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है जिस वजह से ये क्या कर सकते हैं अपनी कोवलेंसी को फ़ोर से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं ये था नॉर्मल इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड अब हम आगे देखते हैं कुछ एनोमेलस कैरेक्टर्स जो हैं एनोमेलस प्रॉपर्टीज जो हैं इस ग्रुप की या फिर नाइट्रोजन ग्रुप की जो एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले एनोमलस प्रॉपर्टीज़ होती क्या है एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो नॉर्मल हो नॉर्मल प्रॉपर्टीज से कुछ हटके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जैसे हम एक्सेप्शन जिनको बोलते हैं कुछ एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोई भी ग्रुप अगर शो करता है तो उसको कहा जाता है एनोमेल्स ठीक है अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एनोमेल्स प्रॉपर्टीज के अंदर नाइट्रोजन की एक यूनिक एबिलिटी है कि नाइट्रोजन पी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है पी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होता है पी पाई पी पाई बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर जैसे ए और बी दो एटम्स हैं ये दोनों एटम अपने अपने पी ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर लेते हैं ये दोनों अपने पी से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं जिसमें से एक पी ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड होगी और एक पी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होगी ठीक है और जैसे ही पी ऑर्बिटल्स इनके ओवरलैप करेंगे बिल्कुल जो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगी वो हो जाएगी पाई बॉन्ड इस वजह से इन्हें कहा जाता है पी पाई पी पाई बॉन्ड ये कैपेबिलिटी जो होती है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के अंदर होती है इस ग्रुप के अंदर ठीक है जिस वजह से जो है नाइट्रोजन डाई एटोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है और साथ ही जो है नाइट्रोजन तीन ट्राई एटम की फॉर्म भी बना सकता है पाई बॉन्ड्स के थ्रू ठीक है लेकिन जो फास्फोरस आर्सेनिक है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं उनके अंदर पी पाई पी पाई बॉन्ड वाली कैपेबिलिटी जो टेंडेंसी है वो नहीं पाई जाती है लेकिन जो आगे के ग्रुप होते हैं फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ इनके अंदर केपेबिलिटी होती है डी पाई पी पाई बॉन्ड की और साथ ही में इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डी पाई डी पाई बॉन्ड की क्योंकि इनके अंदर जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं इनके जैसे हम यहाँ पे देखिए फास्फोरस के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी जैसे ही आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत की तरफ आएंगे तो इनके अंदर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूड होने लग जाएंगे जिस वजह से इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डी पाई पी पाई बॉन्ड और डी पाई डी पाई बॉन्ड इंक्लूड करने की जैसे जैसे पी पाई पी पाई बॉन्ड होता है बिल्कुल उसी तरीके से जो है डी पाई डी पाई बॉन्ड भी

सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी है क्या ये हाइड्राइड्स अच्छे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं तो देखिए जो भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब जो है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं और हाइड्राइड्स का जो जनरल फॉर्मूला इनका होता है वो है ई एच थ्री ठीक है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत सबके सब जो है हाइड्राइड्स बनाते हैं एन एच थ्री से लेके बी आई एच थ्री तक के इनके हाइड्राइड्स बनते हैं और इसके अंदर जो बेसिसिटी होती है और कुछ की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो वेरी करती रहती है बिकॉज ऑफ देयर साइज़ ठीक है बेसिसिटी अगर हम देखते हैं तो डिक्रीज़ करती रहती है किस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एन उसके बाद में होगा पी उसके बाद में ए उसके बाद में एस और एंटीमनी का जो हाइड्राइड होता है और बिस्मित का जो हाइड्राइड होता है उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होता है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन कि ये क्या रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ में या फिर यूँ कहें कि ये ऑक्साइड्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं ठीक है जिस तरीके से इनके हाइड्राइड्स बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इनके ऑक्साइड्स भी बनते हैं ऑक्साइड्स इनके दो तरीके के बनते हैं एक तो बनता है ई टू ओ थ्री और एक जो इनका ऑक्साइड बनता है वो बनता है ई टू ओ फाइव ठीक है दो टाइप के इनके ऑक्साइड्स बनते हैं कुछ ऑक्साइड्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं और कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं जो ऑक्साइड ई टू ओ थ्री का बनता है वो नाइट्रोजन और फॉस्फरस का नाइट्रोजन और फॉस्फरस का प्योरली एसिडिक फॉर्म के अंदर होता है ठीक है और जबकि आर्सेनिक और बिस्मित जब ई टू ओ थ्री टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे आर्सेनिक और एंटीमनी जो ऑक्साइड बनाएंगे वो एम्फोथेरिक प्रॉपर्टी का होगा यानी कुछ प्रॉपर्टी उनके अंदर एसिडिक होगी कुछ बेसिक होगी और जो लास्ट में बिस्मित बनाएगा ई टू ओ थ्री का जो ऑक्साइड वो बिल्कुल क्या होगा बेसिक प्रॉपर्टी का होगा ठीक है ये इस तरीके से जो है रिएक्टिविटी इनकी ऑक्साइड्स की तरफ आ, होती है नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन कि क्या ये हेलोजन के साथ में रिएक्ट करके हेलाइड बनाते हैं कि या फिर नहीं बनाते हैं और अगर बनाते हैं तो कौन सा हेलोजन जो हैलाइड बनता बनता बनाता है वो कौन सा जो है सबसे सही होता है और कौन सा नहीं होता है तो देखिए जब भी इनके अंदर हेलाइड्स बनते हैं दो टाइप के हेलाइट बनते हैं जैसे ऊपर यहाँ बने थे दो तरीके के इनके अंदर हैलाइड बनते हैं ई एक्स थ्री और ई एक्स फाइव ठीक है नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है ये वाला हैलाइड जो है नाइट्रोजन नहीं बनाता है नाइट्रोजन के अंदर केपेबिलिटी नहीं होती है पेंटा हेलाइट बनाने की क्योंकि उसके अंदर जो होती है अन अवेलेबिलिटी अन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ठीक है इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं जिस वजह से जो है नाइट्रोजन पेंटा हेलाइड नहीं बनाता है बाकी जो पेंटा हेलाइड बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं सिर्फ एक पेंटा हेलाइड जो सॉरी एक, सिर्फ एक ट्राई हेलाइड बनता है नाइट्रोजन का वो होता है फ्लोरीन के साथ जो सबसे ज़्यादा स्टेबल पेंटा ट्राई माना जाता है जो कि है नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड ठीक है बाकी जो ट्राई हेलाइड्स बनते हैं वो जैसे कि फॉस्फोरस के साथ हो गया आर्सेनिक के साथ एंटीमनी और बिस्मत के साथ वो नॉर्मल कैरेक्टर्स के होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं जितना नाइट्रोजन का जो है हेल्ड होता है फ्लोरिन के साथ में लास्ट जो हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं वो देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल ठीक है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल कि मेटल्स के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का बिहेवियर जो है ये शो करते हैं देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ वही एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं मोस्टली जिनकी माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्यों क्यों होगी माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो अगर जैसे मान लेते हैं हम कोई भी नाइट्रोजन के साथ में कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दूसरे एलिमेंट दूसरे एटम को देगा तो इस वजह से ओनली वही जो है एलिमेंट कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी मेटल्स के साथ शो कर सकते हैं जिनके अंदर माइनस थ्री ऑक्सीडेशन शो करने की कैपेबिलिटी होती है और हमें पता है कि जो जो भी एलिमेंट जो इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेबिलिटी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ होती जाती है यानी कि ऊपर के जो एलिमेंट हैं जैसे कि बिस्मित है बिस्मित में बहुत कम कैपेबिलिटी होती है माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की तो ऊपर के जो एलिमेंट है यही मोस्टली जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और जो है मेटल्स के जैसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाएंगे जैसे जो है नाइट्रोजन रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ और बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड इसी तरीके से फॉस्फोरस रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम फॉस्फाइड सी ए थ्री पी टू इसी तरीके से आर्सेनिक जो है वो रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम आर्सेनाइड जो कि होता है एन ए थ्री एस ए एस टू और इसी तरीके से जो है जिंक एंटीमोनाइड बनता है वो होता है जेड एन थ्री एस बी टू ठीक है एक कॉम्प्लेक्स बनता है एक कंपाउंड बनता है बिस्मिथ का वो भी मैग्नीशियम के साथ में जो कि है मैग्नीशियम बिस्माइथ एम जी थ्री बी आई टू ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है ये बहुत लेस स्टेबल होता है जितनी स्टेबिलिटी उनकी होती है उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है ठीक है ये थी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन हाइड्राइड्स और मेटल्स के साथ और हेलोजनस के साथ में ठीक है ये नॉर्मल डिस्कशन था हमारा जो कि ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स के लिए ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट का जो हमने डिस्कस किया है इनके अब हम कुछ कंपाउंड जैसे डाई नाइट्रोजन कुछ फॉस्फोरस के कंपाउंड है वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और कौन से पार्ट में आपको डाउट है तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे ओके जिस जो भी अभी चैनल पे न्यू है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर टिल देन टेक केयर बाय